व्लॉग सिनिक को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। और अगर आप कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। और आज आपने नोटिस किया होगा कि मेरे साथ एक चेयर होती है जिस पे मुतीबा बैठी होती है, और मुतीबा आज नहीं है। शी इज़ नॉट एट होम, इंशाल्लाह शी विल बी बैक इन अ डे और टू। लेकिन ये है कि काम जो है वो चलता रहना चाहिए। और एक नया ट्रेलर आया था जिसकी मुझे काफ़ी सारे लोगों की सजेशन आ रही थी कि आप इस पर रिएक्शन दें, तो इस पर हम तो रिएक्शन अभी देंगे। अगर इस ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिलता है आप लोगों की तरफ से तो ज़रूर मैं इसको बेगम के साथ एक बार फिर से देखूँगा। और सरदार उद्धम इस मूवी का नाम है, ऑफिशियल ट्रेलर है। शुजीत सरकार डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म इन्होंने बनाई हुई हैं। विक्की कौशल इसमें हीरो हैं और कैसे एक्टर हैं, बेहतरीन हैं, हमें पता है। सो इस ट्रेलर को देखने के बाद ही हमें कुछ पता चलेगा सरदार उद्धम जो मूवी है उसके बारे में। और एज़ यूजुअल ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। सो स्टे विद अस। The Indians never forgive their enemies. They strike them down even after 20 years. Gandhi has left Delhi for Amritsar. Arrest Gandhi. No. और अगर आप कुछ नहीं किया ना तो अगले 100 साल तक इन अंग्रेजों के नीचे रहेंगे। अंदर में जब एंटर करोगे ना तो ये दिखाना। I see death, no sleep in years. मंडे को चर्च, फ्राइडे को सिनेमा हॉल और सैटरडे को क्लब। हाँ, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। You want the freedom of your people. You should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। हाँ, ग्रेट। What is the next target? Monadak Pamaslo! Revolution is a dangerous game. We need to set an example. Sir. To true events. Uday Singh, are you? Yes. Frank Brazil? Yes. You're Uday Singh? Yes. What's your real name? Murder ko protest manega? या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा आपका ब्रिटिश लॉ। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए। टेल पीपल आई वाज अ रेवोल्यूशनरी। कोई जिंदा है? ओह, वेल ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स। बेसिकली ये तब के दौर की है जब गोरों की हुकूमत थी। और शुरू में बड़ा प्यारा डायलॉग आया कि इंडियंस कभी भी अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं करते, गोरा बोल रहा होता है। चाहे 20 साल ही क्यों ना गुजर जाएं, वो उनको मारते हैं। सो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। फिर एक आवाज़ आती है, सरदार उधम सिंह जो हैं उनकी आवाज़ आती है कि अगर हमने आज ना कुछ किया तो अगले 100 साल इन गोरों की हुकूमत रहेगी। सो इट मींस कि ये सारी जो मूवी है ये सरदार उधम सिंह के ऊपर है। कैसे वो लंदन जाते हैं, वो पासपोर्ट पे भी लिखा आ रहा था कि शेर सिंह तुमने अपना नाम रखना है। और वो लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने कैसे ये चीज़ भी पता लगाई कि फ़लाने दिन ये मूवी के लिए जाते हैं, फलाने दिन इधर जाते हैं, पर डिस्को जाते हैं, फलाने दिन यहाँ जाते हैं। तो एक एक चीज़ को देख रहे हैं। और एक गोरी मैम है जो उनकी हेल्प भी कर रही हैं, जो आगे जाके पकड़ी भी जाती हैं।
और उनको गोरों को भी आगे जाके उनका पता चलता है, और गोरों को सरदार वो ये भी पता चल जाता है कि वो भी उधम सिंह है, और जिस तरह वो सलूक भी दिखाया जाता है कि गोरे क्या सलूक कर रहे हैं उनको पकड़ करके। वो विकी कौशल की थ्रू आउट द ट्रेलर बहुत बेहतरीन एक्सप्रेशंस थे, और एंड में वो बोलते भी हैं पता नहीं कहाँ पे बैठे कि टेल पीपल दैट आई वाज रेवोल्यूशनरी, और मतलब है कि ये जो जितने भी लोग हैं मतलब इंडिया को जो आज़ादी मिली, आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको हम ग्रेट पीपल बोलते हैं, उनकी काफ़ी सारी सेक्रीफाइस है, और ऐसे लोगों के बारे में अगर पता चलेगा लोगों को तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और लोगों को पता चलना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि असल माने में तो हीरोज़ वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में अपना किरदार प्ले किया, पार्ट प्ले किया। सो विकी कौशल अमेजिंग, डायरेक्शन अमेजिंग, फिल्मिंग अमेजिंग लग रही है, सो लेट्स होप, और लग रहा है कि मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और लोगों को जानने को मिलेगा उधम सिंह के बारे में। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है, और क्या आपके इंस्टेंट बिल्कुल ट्रेलर देखते वक्त या देखने के बाद क्या आपके ख्यालात थे, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, और ट्रेलर को इस रिएक्शन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो ज़रूर मैं बेगम के साथ भी इसको देखूँगा, एंड और रिएक्शंस लेके आते रहेंगे। ये रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेटेस्ट व्लॉग वहाँ एक आया था थोड़े दिन पहले, और मजीद आने वाले हैं बड़े बेहतरीन किस्म के, उसको सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे, वहाँ लेटेस्ट फोटोज़ आपको मिलेंगी और अपडेट्स मिलेंगे, सो फॉलो कर लें। एक और रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।